सबके अपने दावे हैं और उन दावों के बीच विरोधियों पर तीखे आरोप हैं। तो जिताइएगा ना, पूरे तौर पर भारी फोर्स से जिताइएगा ना। उन आरोपों की लपटें अक्सर पाकिस्तान तक चली जाती है, या कह सकते हैं कि बिहार के चुनाव में जब तक पाकिस्तान की एंट्री नहीं होती है तब तक चुनाव पूरा नहीं होता। अब जिन्ना की एंट्री हुई है, पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की। ये जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को, ये जवाब देना पड़ेगा बिहार में महागठबंधन के नेता जो उछल उछल के बहुत बोल रहे हैं कि मैं देश राज्य का नेतृत्व करूंगा। देश को बताना होगा जाले से जिसको टिकट मिला है वो जिन्ना का समर्थक है। बीजेपी वाले नेता और केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह के निशाने पर आ गए मशकूर उस्मानी। दरभंगा के जाले सीट से कांग्रेस ने मशकूर को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मशकूर को टिकट मिला तो राजनीति पटना से लेकर दिल्ली तक की गर्मा गई। उनकी पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया। जाले के किसी और व्यक्ति को टिकट दे देते मुझे कोई अफसोस नहीं होता, मुझे नहीं देते, किसी और को दे देते, लेकिन जिन्नावादी आदमी को फोटो लगाता है अपने ऑफिस में, केस हुआ है उस पर, अभी भी केस हुआ हुआ, बेल पे है वो आदमी, और मदन मोहन झा बोलते हैं कि सोनिया जी के कहने पे टिकट मिला। गांधी की पार्टी है ये, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की सोच की पार्टी है, जिन्नावादी मत बनाइए इसको। ऋषि मिश्रा कांग्रेस में आए और आकर चले गए, तो आप ये भी जान लीजिए कि मशकूर को लेकर जो जिन्ना जिन्ना हो रहा है वो पूरा विवाद है क्या। 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हुआ। उस वक्त मशकूर उस्मानी एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे। उस्मानी पर आरोप है कि उन्होंने छात्र संघ अध्यक्ष रहते जिन्ना की तस्वीर लगाई थी। आजाद हिंदुस्तान की खुशियों में बंटवारे का खून लिपटा तो जिन्ना की बदौलत, जिन्ना की जिद ने देश का बंटवारा करा दिया, इसीलिए उनकी तस्वीर पर बवाल मचा। अब उस्मानी को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उतारा तो बवाल का दायरा बिहार के चुनाव में फैल गया। देखिए, सब कोई जानता है कि देश का विभाजन नेहरू जी और जिन्ना के आपसी कलह के कारण हुआ, लेकिन थे दोनों सौतेले भाई, तो कांग्रेस पार्टी का फिर से सौतेले भाई पे प्यार उभर आया है। लेकिन मशकूर उस्मानी का दावा है कि उनके आदर्श गांधी और नेहरू हैं, ना कि कोई जिन्ना, इसलिए उनके ऊपर लग रहे आरोपों को उस्मानी गलत बता रहे हैं। आप एक स्टेटमेंट मेरा दिखा दीजिए कि मैंने समर्थन किया, तो भाई सब चीज आजकल सबके सामने है, कोई छुपा तो नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं है कि मुझे नहीं जान रहे, मेरा विरोध करे तो मुझे जान रहे होंगे। मेरा कोई एक स्टेटमेंट समर्थन में आप दिखा दीजिए तो मैं मान लूं। इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। जिन्ना विवाद ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया कि हाल ही में महागठबंधन को घेरने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कश्मीरी आतंकवादियों का जाल फेंक चुके हैं। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आने की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया रहे वो बिहार हर घर से लेगा। लेकिन महागठबंधन को लगता है कि बीजेपी के पास बिहार में लड़ने के लिए कोई असल मुद्दा नहीं, तो वो पाकिस्तान और आतंकियों के भरोसे बैठी है। 10 दिन बाद बिहार में पहले चरण के लिए चुनाव का शोर थम जाएगा, लेकिन बच जाएगा तो ये सवाल कि क्या चुनाव सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा या जनता के वास्तविक मुद्दों को जगह मिलेगी। दरभंगा में प्रहलाद कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।